नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा कि फेसबुक ने लड़की को बचा लिया, तो दोस्तों ये रियल स्टोरी है जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले की है। तो एक लड़की होती है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़र होती है और वो सुसाइड की कोशिश करती है, तो फेसबुक की मेटा टीम की तरफ से पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस जो है मौके पर पहुँच कर लड़की को बचा लेती है। तो मेटा में ऐसा कौन सा फीचर होता है जो कि लोगों को डिटेक्ट करता है, लोगों के बारे में जान लेता है, वो क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को वो जान लेता है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। और किस तरह से पुलिस उस यूजर तक पहुंच गई ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों फेसबुक का ये मेटा क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और इसका हिंदी में अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। और दोस्तों मेटा शब्द मेटावर्स से बना है और मेटावर्स का मतलब होता है काल्पनिक दुनिया। और मेटा के CEO का कहना है कि वो अपनी कंपनी को वर्चुअल दुनिया से जोड़ रहे हैं जहाँ पर इंसानों के 3D कैरेक्टर होंगे और वो सारी एक्टिविटी कर पाएंगे जो एक आम आदमी करता है। जिस तरह से एक आम आदमी ज़िंदगी जीता है उस तरह से वो सारा कुछ कर पाएंगे 3D कैरेक्टर। तो दोस्तों ये घटना किस तरह से घटित हुई और किस तरह से फेसबुक की मेटा टीम ने उसको डिटेक्ट किया और पुलिस को कॉल करके बताया और पुलिस जो है मौके पे पहुंचकर उस लड़की को बचा लेती है। तो दोस्तों वो लड़की एक वीडियो अपलोड करती है इंस्टाग्राम पे और उस वीडियो में ऐसा दिखता है कि वो सुसाइड की तैयारी कर रही है और उसको जो है फेसबुक की मेटा टीम डिटेक्ट कर लेती है, उसका रिव्यू करती है और उसको लगता है कि ये संदिग्ध मामला है और उसको जो है पुलिस को कॉल करके बता देती है और पुलिस जो है उसको बचा लेती है। तो फेसबुक की मेटा टीम किस तरह से डिटेक्ट करती है वो आपको हम बताते हैं, जो कि उस वीडियो में ऐसा दिख रहा था कि वो सुसाइड करने की तैयारी कर रही है और उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, रिपोर्ट किया और उससे जो है फेसबुक की मेटा टीम को उसके बारे में जानकारी हो पाई और फेसबुक की मेटा टीम ने उसका रिव्यू किया। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं, अगर आपके सामने ऐसी कोई पोस्ट आती है जो कि आपको संदिग्ध लगती है या फिर ऐसा कोई वीडियो आता है जो आपको संदिग्ध लगता है या फिर आपके सामने ऐसा कोई अकाउंट आता है जो कि फर्जी हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, तो उसके बारे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप कर सकते हैं तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों आपने अपना फेसबुक ओपन किया है, वहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट दिखेंगी। अगर आपको कोई पोस्ट ऐसी दिखती है जो संदिग्ध है, कुछ गड़बड़ है उसमें, तो उसकी रिपोर्ट आप कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस होता है आपको हम बताते हैं। अगर पोस्ट कोई दिख रही है संदिग्ध तो उसमें राइट साइड में 3 डॉट होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है और रिपोर्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिपोर्ट समथिंग डैट डज नॉट लुक राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सबमिट रिपोर्ट करना चाहते हैं या फिर ऐड इन्फॉर्मेशन। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा प्लीज़ सेलेक्ट ए प्रॉब्लम, आपसे पूछेगा जो पोस्ट में प्रॉब्लम आपको लगती है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दूसरी प्रॉब्लम है, तो समथिंग इल्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में डन कर देंगे। तो ये प्रोसेस करने से अगर पोस्ट में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो इसको जो है फेसबुक की मेटा टीम तक भेजा जाता है। और दोस्तों इसके अलावा अगर कोई वीडियो है जो आपको संदिग्ध लगता है तो उसके लिए भी यही प्रोसेस है। राइट में 3 डॉट दिखेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग पे आप क्लिक करेंगे और जो प्रॉब्लम है वीडियो में यहाँ पे आप टाइप करेंगे। अगर आपके पास में कोई इमेज है उसका तो इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर इमेज नहीं है
तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आप टाइप कर देंगे और सेंड पे क्लिक कर देंगे, और सेंड पे क्लिक करते ही उस वीडियो को फेसबुक की मेटा टीम के पास में रिव्यू के लिए भेज दिया जाएगा, और फेसबुक की मेटा टीम उसका रिव्यू करती है, और रिव्यू करने के बाद अगर उसको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो एक्शन लेती है। और इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको कोई फेसबुक अकाउंट संदिग्ध लगता है, फेक लगता है, तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जो है राइट साइड में थ्री डॉट देखेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेना है, फेक अकाउंट है, फेक नेम है, या फिर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपको लगती है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। डन करते ही उसको जो है फेसबुक की मेटा टीम तक भेज दिया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि फेसबुक जो है अपने यूज़र को डिटेक्ट करने के लिए AI टूल्स का भी इस्तेमाल करता है। साल 2018 में फेसबुक ने बताया कि पहले जो है लोगों के रिपोर्ट करने के अनुसार जो है फेसबुक एक्शन लेता था, लेकिन साल 2018 से उसका AI टूल्स काम कर रहा है, और अपने AI टूल्स की मदद से वो जो है पोस्ट और वीडियो का रिव्यू करता है, और रिव्यू करने के बाद उसको लगता है अगर कोई संदिग्ध है तो उसके ऊपर वो एक्शन लेता है। तो अगर कोई संदिग्ध पोस्ट है तो उसको किस तरह से AI टूल्स उसका डिटेक्ट करता है वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर किसी ने अपने पोस्ट में गुड बाय या डाई या फिर सैडनेस इस तरह के शब्दों का यूज़ किया है तो उस तरह की पोस्ट को AI टूल्स फाइंड करता है, और फाइंड करने के बाद उसको जो है फेसबुक की मेटा टीम तक भेजता है, और मेटा टीम जो है उस पोस्ट या वीडियो का रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद अगर उसको लगता है कि इस पोस्ट में या वीडियो में कोई संदिग्ध है तो उसके ऊपर वो एक्शन लेता है। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर फेसबुक की मेटा टीम ने किसी पोस्ट या वीडियो का रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद उसको लगता है कि ये संदिग्ध है और उसको पुलिस को रिपोर्ट करता है, तो उसके साथ में वो अपने यूज़र की लोकेशन भी शेयर करते हैं, जिससे पुलिस बहुत ही आसानी से उस यूज़र तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप समझ पाए होंगे किस तरह से फेसबुक की मेटा टीम अपने यूज़र को डिटेक्ट करती है, उनके ऊपर निगरानी रखती है, AI टूल्स की मदद से निगरानी में रखती है, उनकी गतिविधियों को फाइंड कर लेती है और उनके ऊपर एक्शन कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।